चलिए वंस अगेन हम लोग सेंटेंस की दुनिया में चलते हैं। सेंटेंस चल रहा था तो सबसे पहले आप लोग जानिए आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है इम्फैटिक सेंटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले इम्फैटिक है क्या? इम्फैटिक जो है एक जोरदार सूचक वाक्य है, जोर डाला जाता है किसी भी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर शब्द पर, किसी शब्द जैसे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो या वो हो, इस तरह के कुछ शब्द जो आते हैं सेंटेंस में उसी पर स्ट्रेस डाला जाता है और वैसे सेंटेंस जिसमें वो रहता है वैसे सेंटेंस को इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आज के टॉपिक में इम्फैटिक किस तरह का सेंटेंस रहता है। तो मैं बोलता हूँ उसको समझिएगा, पहले गौर से सुनिएगा, पहले सुनिए गौर से, उसके बाद क्लीन बोल्ड हो जाएगा। चलिए दिख रहा है ना? चलिए जैसे अगर आप घर पे नहीं पढ़ते हैं, दिन भर खेलने कूदने पर लगे रहते हैं तो आपकी मम्मी पापा अचानक पूछ जाते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तो आपके अंदर एक रेज पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है, एंगर क्रिएट होता है और आप बोलते हैं, रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल आंसर बैक देते हैं, क्या देते हैं, मैं पढ़ता ही तो हूँ। एक सेंटेंस आया जिसका नाम था मैं पढ़ता ही तो हूँ। आप बताइए कितना मजेदार सेंटेंस आपने बोला, मैं पढ़ता ही तो हूँ। यानी आपने सेंटेंस बोला इसका नाम था मैं पढ़ता ही तो हूँ। इस सेंटेंस में आप किसी एक पार्टिकुलर शब्द पर आपने स्ट्रेस डाला, आप बताइए किस पर डाला, जल्दी सोचिए। पढ़ना पर, मैं पढ़ता ही तो हूँ, यानी इस वर्ब पर, इसमें आने वाले सेंटेंस से वर्ब पर स्ट्रेस डाला, यानी ऐसे सेंटेंस इम्फैटिक। अचानक आप मुझसे मिलने आते हैं, अब मिलने के बाद आप लौट जाते हैं और मैं काम में लग जाता हूँ, अचानक आपको पता चलता है कि मेरा डायरी या कुछ भी छूट गया है मेरे पास ही। अब मैं तब तक दरवाजे बंद कर लेता हूँ, आप अचानक आते हैं, मेरे दरवाजे को नॉकिंग करने लगते हैं, मैं यहाँ से पूछता हूँ कौन, तो आप जवाब देते हैं मैं ही तो हूँ। देखिए यहाँ भी एक सेंटेंस बोला और वह सेंटेंस था मैं ही तो हूँ। इतना मजेदार सेंटेंस आपने बोला। अब इस सेंटेंस में आपने किस पर स्ट्रेस डाला? मैं ही तो हूँ, यानी मैं पर स्ट्रेस डाला। यानी जरूरी नहीं कि सेंटेंस इम्फैटिक सेंटेंस केवल भर पर ही स्ट्रेस डाला जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी सेंटेंस इम्फैटिक वही होगा उसी वाक में जो सेंटेंस रहे, यानी किसी भी सेंटेंस में उसी के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड पर स्ट्रेस डाला जाए, चाहे वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, वैसे सेंटेंस को इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं, डिफाइन कर लेते हैं पहले। आवाज़ जा रहा है ना? आवाज़ कुछ कमज़ोर था क्योंकि प्लक निकला हुआ था। चलिए तो हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस की कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इम्फैटिक सेंटेंस को डिफाइन कर लेते हैं। यानी कहते हैं सेंटेंस है ना दैट, यानी जो वाक स्ट्रेसेस, यानी जो वाक स्ट्रेस करता है, जो वाक क्या करता है, स्ट्रेस करता है ऑन ए पार्टिकुलर वर्ड, यानी जो वाक किसी खास वर्ड पर, उसी के अंदर जो आता है ना, जब सेंटेंस के चल रहे उसकी अंदर सब, यानी सेंटेंस दैट स्ट्रेसेस ऑन ए पार्टिकुलर वर्ड, यानी जो वाक किसी खास शब्द पर क्या चलता है, स्ट्रेस चलता हो, इज कॉल्ड एन इम्फैटिक सेंटेंस। यानी इम्फैटिक सेंटेंस एक वैसा सेंटेंस है जो अपने अंदर हुए, अंदर आए हुए किसी भी पार्टिकुलर वर्ड पर स्ट्रेस डाले, जोर डाले, उसे इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। यानी जो वाक किसी खास शब्द पर क्या डालता हो, जोर डालता हो, उसे इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। उसे कॉन्सनेंस बोलते हैं, इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं, कॉन्सनेंस इम्फैटिक। यहां तक क्लीन है ना? चलिए यानी फिर से बोलिए, यानी a sentence that stresses on a particular word, यानी पर्टिकुलर में किसी खास शब्द पर, जो सेंटेंस की चर्चा होगी उसी में किसी खास शब्द पर स्ट्रेस डाला जाएगा, जोर डाला जाएगा, वह सेंटेंस इम्फैटिक होगा। याद रखिएगा, कान खोल कर सुन लीजिए। चलिए गाइस चलते हैं, इसको पॉज करिए और कॉपी करिए। अब देखिए आप लोग पहले एक कैच करिए कि सेंटेंस में कौन शब्द है किस पर पर्टिकुलर रूप से, लाइट देख, ठीक है, और दिक्कत नहीं। चलिए कौन शब्द है
जिस पर पार्टिकुलर रूप से स्ट्रेस डाला जा रहा हो। जैसे देखिए राधा नाचती ही तो है, यानी कहने का मतलब राधा बस नाचती है। अब बताइए इसमें कौन सा पार्टिकुलर जो है ना स्ट्रेस डाला जा रहा है, नाचना यानी वर्ब पर स्ट्रेस डाला जा रहा है। किस पर? वर्ब पर। अगला राम ही तो था जो या जिसने तुम्हारी मदद की थी, बोलते हैं ना राम ही तो था, यानी किस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं? राम पर, यानी नाउन पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। देख रहे हैं ना स्ट्रेस, पहले देखिए दबाव किस पर डाला जा रहा है। यहाँ नाचने पर स्ट्रेस डाल रहे थे, यहाँ राम पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। तीसरा मैं ही तो हूं यानी मुझ पर, यानी प्रोनाउन पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो इसी तरह के सेंटेंस जो है ना इम्फेटिक कहलाते हैं। ठीक है, इम्फेटिक यही सेंटेंस है, राम नाचता ही तो इम्फेटिक है, राम ही तो था जिसने तुम्हारी मदद की थी इम्फेटिक सेंटेंस है, मैं ही तो हूं इम्फेटिक सेंटेंस। अंतर है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड पर स्ट्रेस डाला जा रहा है। अब कौन सा वर्ड पर स्ट्रेस डाला जा रहा है वो आपके सामने मैं दे दिया हूं, आप इसकी झलक देख सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्ट्रेस ऑन ए वर्ब, किसी क्रिया पर स्ट्रेस, किसी क्रिया पर दबाव, किसी क्रिया पर दबाव। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी भर पर दबाव आए डाला जाए, किसी भर पर दबाव डाला जाए तो डू डज डिड की मदद से इम्फेटिक बनाते हैं। जब भी याद रखिएगा, एकदम कान खोलकर सुनो, जब भी किसी वर्ब पर स्ट्रेस डाला जाए तो हमेशा उसका इम्फेटिक डू डस डिड की मदद से बनाते हैं। समस्या है डू डस डिड लगाते कहाँ है, तो आप तो पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इम्फेटिक यूज हो सकते हैं, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, डिड पास्ट में यूज होते हैं ना। तो अब देखते हैं, हम लोग सीखते हैं कि आपने यहाँ देखा, आपने आपका पहला हेडिंग है कि स्ट्रेस ऑन ए वर्ब, किसी भर पर अगर स्ट्रेस डाला जाए तो कैसा कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें। जब भी किसी भर पर स्ट्रेस डाला जाए तो डू डज डिड की मदद से हम लोग इम्फेटिक बनाते हैं। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं डू डज डिड को अप्लाई करते हुए इम्फेटिक बनाना सीखते हैं। तो गौर से देखिएगा, अभी अभी मैं आप लोग को बहुत अच्छा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, बने रहिएगा शुरू से अंत तक। सीखना है तो टिकना पड़ेगा, और अगर केवल लिखना है ज़िंदगी में तो चल सकते हैं गाइस। तो देखिए आप लोग, पहला राउंड इम्फैटिक बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, यानी इम्फैटिक जो सीख रहे हैं पास्ट एंड डेफिनिट टेंस पर, आगे आपको नरेशन में आएंगे, नरेशन में यूज होंगे। तो याद रखिए इस तरह के सेंटेंस को जान लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इम्फेटिक बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर इम्फेटिक कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले आप जो सेंटेंस नन यानी इम्फेटिक नहीं बने रहेंगे उसको नो इम्फेटिक बोलिए, नो इम्फेटिक, या इसको हम लोग नो इम्फेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम रखिए नो इम्फेटिक या नन इम्फेटिक, इसको हम शॉर्ट में एनी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, आप समझ जाइए। एनी मैंने नो इम्फेटिक, और इम्फेटिक का मतलब है ना इम्फेटिक, यानी इसका मतलब ई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, पहचान भी अब जान लीजिए नो इम्फेटिक और एक इम्फेटिक। सबसे पहले अभी बताया, जब भी किसी वर्ब पर स्ट्रेस डाला जाए तो डू डस
डिड का सहारा लेकर हम लोग इंफिनिटिव बनाएंगे। तो डू डस डिड, डू डस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और डस डिड का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो अब उन्हीं पर आधारित इंफिनिटिव हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस और पास्ट में सब्जेक्ट रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5, पास्ट में V2 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड अंदर फुल स्टॉप। इसकी आप लोग आइडेंटिफिकेशन भी जानते हैं कि इसकी पहचान अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो क्रिया के बाद ता है, ती है, ते हैं, आप लोग को बता दिए हैं, ता है, ती है, ते हैं, दिख रहा है ना आप लोग को, ता है, ती है, ते हैं। पास्ट में रहेगा क्रिया के बाद ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, याद रखिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बउआ, इम्फेटिक बनाना है तो मैंने बताया डू डस डिड का सहारा लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट जो का त्यों रहेगा, यही मुख्य क्रिया मेन वर्ब के पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डू डस डिड कैसे, V1 रहेगा तो डू का इस्तेमाल करेंगे, V5 रहेगा डस का इस्तेमाल करेंगे और V2 रहेगा डिड का इस्तेमाल करेंगे। जब इनका प्रयोग कर देंगे ना तो मूल क्रिया, मूल वर्ब यानी मेन वर्ब, एक्शन वर्ब जो है V1 हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब रहेंगे अंदर फुल स्टॉप लग जाएंगे। यानी आप दोनों देख लीजिए, V1 रहेगा डू, V5 डस, V2 डिड, इनके बाद इन क्रिया का जो मूल रूप में आ जाएगा यानी V1 के रूप में आ जाएगा, इसका जो होगा पहचान जो हो जाएगा क्रिया के बाद ही तो है, हुए था था थी, जानते ही, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं खेलता ही तो हूँ, या अवश्य या जरूर भर्ब के पहले, क्रिया के पहले, जिसे मैं अवश्य पढ़ता हूँ, मैं जरूर पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, सेम सेंटेंस है, कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखिएगा। दिखना चाहिए आपको, दिख रहा है ना, मैं दिख रहा हूँ ना। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, अब इम्फैटिक नॉन इम्फैटिक से यानी हिंदी टू इंग्लिश सब कुछ हम लोग सीखेंगे अभी एक एक करके। पहला सेंटेंस दे रहा हूँ यानी इसको हम लोग एनी बोलते हैं। चलिए एनी मैंने नो इम्फैटिक, एनी कर देता हूँ, देखिए समझ गए ना, और इसी का ई बनाएंगे इम्फैटिक, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश दोनों सीखेंगे हम लोग। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अगर बोलता हूँ आप लोगों के पास तो आप लोग बोलते हैं इट्स सो इजी, बहुत आसान चीज़ है, आई रीड, डायरेक्ट मारते हैं आप लोग, क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस आई रीड। अब यही बात अगर आ जाए मैं पढ़ता ही तो हूँ, है ना, अब रही बात मैं पढ़ता ही तो हूँ, अब आई तो दे दी, अब इसी क्रिया पर स्ट्रेस डाल रहा है ना, दबाव डाल रहा है, तो अब जब दबाव डाले भर पर तो भर से पहले क्या लगाते हैं, डू डस डिड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में तो डू डस, तो आई के साथ डू और रीड, देखिए कितना आसान था। यानी आपने हिंदी से भी हिंदी, इंग्लिश से भी इंग्लिश सीख लिया, मैं पढ़ता ही तो हूँ का इम्फैटिक, मैं पढ़ता हूँ का इम्फैटिक, मैं पढ़ता ही तो हूँ, और इंग्लिश में आई रीड का इम्फैटिक, आई टू रीड, कितना आसान। अगला सुनने दूसरा देखते हैं, एन ई यानी नॉन इम्फैटिक, जैसे राधा नाचती ही तो है ना, अब कितना आसान है, आप लोग तुरंत बनाते हैं राधा डांसेज, हम फटाफट बना लेते हैं, आप कितना आसान, बिल्कुल आसान है, वास्तव में आसान है, इसमें कोई सब संदेह नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे, इसमें थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, इम्फैटिक, अब इसी का इम्फैटिक बनाते हैं, राधा दिख रहा है ना, नाचती ही तो है, यानी राधा अवश्य नाचती है, राधा अवश्य नाचती है, तो अब इसका इम्फैटिक बनाना है तो क्या होगा, राधा दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है, चलिए दिखना चाहिए हाँ, राधा प्रेजेंट में है तो आप देखते हैं, राधा साथ V5 लगाते हैं तो V5 लगाएंगे इम्फैटिक में, क्या लगाएंगे, डज डांस, ध्यान दीजिएगा जब डज डू लगा, डज लगा दिए ना तो क्रिया हमेशा V1 आ जाएगी, क्या जाएगी, V1 आ जाएगी, क्या जाएगी, V1, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं, अभी पास्ट की बारी है, पास्ट की बारी है, इसको जरूर लिखिए और इसको यूज करिए, 50 सेंटेंस जरूर बोलिए इससे रिलेटेड। जैसे तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, पास्ट में एन ई माने नो इम्फैटिक, ठीक है, जैसे रमेश खेलता था, कितना आसान क्वेश्चन है, रमेश पास्ट में है, रमेश प्लेड बनाते हैं, है ना, अब इसका इम्फैटिक बनाना सीखते हैं, इम्फैटिक, अब रहेगा रमेश
अवश्य खेलता था, ठीक है, या जरूर खेलता था, अवश्य खेलता था। या रमेश खेलता ही तो था, ये सेम सेंटेंस है। अब क्या होगा, रमेश, अब बताइए बुआ, पास्ट में है ना, तो पास्ट में क्या लगाएंगे, डू, डस, डिड, जरा फटाफट बताइए, डिड लगेगा ना, रमेश डिड प्ले होगा या प्लेड होगा, बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिए, डिड में ही वी टू का अंश, आप वी टू का जो है ना अंश जो है ना आपने डिड में ही दे दिया है, अब दोबारा ईडी लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी रमेश डिड प्ले, यानी अगर कोई पूछे रमेश प्लेड का इम्फेटिक, रमेश डिड प्ले, आई प्लेड का आई डिड प्ले, यू प्लेड का यू डिड प्ले, सीता प्लेज रहेगा तो सीता डज प्ले, बना लेंगे ना, तो फटाफट बोलिएगा, मैं 5 क्वेश्चन बोलूंगा, आपको जवाब देना है, आई प्ले आई डू प्ले, आई गो आई डू गो, यू प्ले यू डू प्ले, सीता स्पीक्स सीता डज स्पीक, सीता डज स्पीक, सीता स्पोक सीता डिड स्पीक, डिड के बाद फी वन कंप्लीट। चलिए बहुत अच्छा, ए आपने देखा बेस्ट ऑन प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिटेंस, कभी कभी इसी तरह के प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिटेंस के कुछ सेंटेंस है जो पोसेशन बताएंगे, अधिकार बताएंगे, उस पर कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उसको लेकर ही माइंड को खोलने की प्रयास में हूं। तो आइए दूसरा जो है वह है बेस्ट ऑन ऑनरशिप सेंटेंस, ऑनरशिप है क्या, ऑनरशिप स्वामित्ववाचक अधिकारवाचक, यानी इम्फैटिक बेस्ड ऑन, इम्फैटिक कर लीजिए, इम्फैटिक जो है अधिकारवाचक वाक पर आधारित, इम्फैटिक सीख रहे हैं अभी, जो इम्फैटिक बेस्ड ऑन सीखे थे प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अभी जो इम्फैटिक सीख रहे हैं अधिकारवाचक वाक पर आधारित इम्फैटिक, कोई दिक्कत नहीं, क्या समस्या है उसमें, थोड़ा सा उसकी समस्या को जान लीजिए, समस्या है को अधिकारवाचक के लिए हैव आएगा, हैव मीन्स होता है रखना या के पास होना, है ना, ये हैव मीन्स रखना भी होता है या के पास होना होता है, ये अधिकार बताता है, पोसेशन बताता है। अब समस्या ये है, तो आज के बाद जिंदगी में कभी समस्या नहीं होगी, क्योंकि समस्या हल होता है, समस्या निदान होते हैं, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, हर समस्या का समाधान है, तरीका अलग है। तो पहले हम समझाना चाहते हैं आपको, एक छोटा सा टिप्स देना चाहते हैं, ये टिप्स क्या है आप लोग को मैं बार बार बताता हूँ, ये टिप्स है क्या, तो जानिए बुआ, हैव को हम भी वन कहते हैं और आप भी कहते हैं, बता दिया हूँ, हैड, हैड को हम भी टू बोलते हैं, ये आप भी जानते हैं, हैड इसका भी टू ही है, भी थ्री भी है, आप भी जानते हैं, जानते हैं ना, यहाँ तक आ गए हैं ना आप लोग। अब देखिए, दिख रहा है ना वहाँ तक, Having, नहीं ये नीचे लाता हूँ, Having, V4 कहते हैं and has, V5 कहते हैं, यही बस आपके लिए टिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, ए हैव V1, हैड V2 एंड हैड V3 एंड Having V4 एंड has V5, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, कंप्लीट है, कॉपी कर लीजिए, बस यही कॉन्सेप्ट आपको जानना था, और आपके पास आराम से बन जाएगा, कैसे बनेगा, फटाफट बनेगा, नहीं कैसे बनेगा, जरूर बनेगा, तो ध्यान तो दीजिए, देखिए इम्फैटिक किस पर, ऑनरशिप टैप संडेज, एक नो इम्फैटिक दिख रहा है ना, नो इम्फैटिक, चलिए नो इम्फैटिक में सब्जेक्ट के बाद है जाएगा, हैव आएगा या है जाएगा या हेड आएगा, यानी प्रेजेंट पास्ट दोनों टेंस को एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद जब भी अधिकार बताया जाता है तो वो 99% जो है ना कोई नाउन आता है, 1% प्रोनाउन आ सकता है, जैसे मेरे पास कुछ नहीं, आई हैव नथिंग, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक बैल है, 99% पोसेशन जो होता है
नाउन पर होता है, याद रखिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हैज के बाद नाउन, हैड के बाद भी नाउन, उसके बाद कोई अदर वर्ड आ सकता है, फुल स्टॉप। नाउन के पहले एडजेक्टिव भी रह सकता है, लेकिन नाउन अवश्य रहेगा। क्या इसका अर्थ देता है? तो देता है के पास या रखना, के पास या रखना, के पास होना या रखना, अभी भी बताए थे। इसका इम्फैटिक बताएंगे, बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ से समस्या उत्पन्न होती है और इसी समस्या को दूर करना है। समस्या क्या होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि हैव है तो क्या करें बउआ। हैव मीन्स रखना होता है, जैसे प्ले मीन्स खेलना होता है ना, उसी प्रकार से हैव मीन्स रखना होता है। कितना आसान है, तो देखिए अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आई प्ले में अगर बोला तो आपने इम्फैटिक क्या बनाया? आई डू प्ले बनाया, बनाया ना। अगर शी प्लेज अगर मैं भी दे दूँ तो आपने इम्फैटिक क्या बनाया? शी डज प्ले बनाए। या आपने क्या किया, आई प्ले तो आई के साथ डू लगाया और भी वन दे दिया, दिया ना, प्लेज है तो डज प्लस भी वन दे दिया, देख रहा है ना। देखिए यानी हर बार मुख्य क्रिया जो है भी वन हो रहा है, ठीक है, जो भी लग रहा है डू डज का सहारा ले रहे हैं। अगर रहता सी प्लेड तो आपने क्या किया? शी डिड प्ले, ये किया ना, यानी डिड लगा दिए, प्ले कर दिए। तो यहीं पर समझना है आप लोग को वी वन, तो यहाँ भी वी वन, केवल डू डज लगा दिए। वी फाइव फिर भी यहाँ वी वन, वी टू फिर भी यहाँ वी वन, आ रहा है ना हर जगह। यानी कर क्या रहा है, यानी वी वन है ना, तो डू लगा देंगे, वी फाइव है तो डज लगा देंगे, और वी टू है तो डिड लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन डू डज डिड लगाने के बाद हमेशा प्ले का प्ले, प्लेज का प्ले, प्लेड का प्ले आ रहा है ना। यानी कोई भी रूप में है तो हमेशा भी वन आ रहा है। तो ये भी वन, भी फाइव, भी टू कोई भी रूप में रहे हमेशा भी वन आएगा। अब बताइए हैज है फॉर्म हैज हैड इस वन का सबका भी वन कौन होता है, बताइए जल्दी। अभी प्ले प्लेज प्लेड प्लेइंग इस वन का अगर पूछे कोई भी वन क्या होता है, तुरंत मार रही है प्ले होता है। लेकिन अब आपको बताना है कि अगर हैज हैव हैड हैविंग जो भी हो उसका भी वन क्या होता है, क्या बताइएगा जल्दी बताइए। हमेशा हैव होता है, हमेशा हैव, क्योंकि यहाँ देखिए आई प्ले आई डू प्ले, प्लेज है तो भी प्ले, प्लेड है तब भी प्ले, अरे इन्फेटिक बन रहा है। तो आप चाहे है भी रहे तो है भी बन हो जाएगा, प्ले है तो प्ले हो रहा है ना, तो हैव है तो है भी रह जाएगा, क्यों है भी बन है, अभी बताए ऊपर देखिए चार्ट, अभी बताए प्लेज है भी फाइव तो हैज है ना, देखिए मिलाइए ना प्लेज तो हैज है ना, तो प्लेज का यहाँ क्या हो गया प्ले, तो यहाँ हैज का भी बन क्या होगा हैव, अगर यहाँ प्लेड है भी टू है, यहाँ हैड भी टू है तो प्लेड का प्ले तो हेड का है, यानी हर स्थिति में हैवी रहेगा। यही समस्या थी कि यहाँ क्या लगाएंगे, डू डिड के बाद हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हेड लगाएंगे, तो हमेशा हैव लगेगा, हमेशा हैव, और हैव के बाद नाउन आ जाएगा, अंत में फुल स्टॉप। बस अवश्य जरूर, यही तो, जैसे मेरे पास एक तोता है, मेरे पास एक तोता ही तो है, मेरे पास तोता है ही तो, मेरे पास अवश्य तोता है। पूछते तुम्हारे पास तोता होता नहीं है? यस मेरे पास तोता है ही तो। कितना मजेदार संडेज बोलते हैं, उस पर स्ट्रेस डाल देते हैं, लेकिन इसको नहीं समझने पर हम लोग गलती भी कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप समझ के होंगे। जैसे आपको पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, एन ई माने जो इम्फैटिक नए बनल है, न नो इम्फैटिक, जैसे देखिए अब हिंदी टू इंग्लिश में दे रहा हूं ताकि आपके पास कोई दिक्कत। मेरे पास एक कार है ना, आसान से बनाते हैं एकदम पूरा, आई हैव ए कार, या माई हैव नहीं होगा, पता है ना क्यों? क्योंकि माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन आता है, यानी सब्जेक्ट लुक खोज रहा था, आई है, ये पढ़ा दिया हूं आप लोग को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है तो ध्यान दीजिएगा आगे फिर आएगा। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, यही अगर पूछे इम्फैटिक में बना रहे कि मेरे पास अवश्य एक कार है, मेरे पास अवश्य एक क्या है, कार है, मेरे पास अवश्य क्या है, कार है, तो देखिए अवश्य लग गया ना, स्ट्रेस डाल दिया ना, आई अब हैव लगल है डू, आई डू हैव, दिख रहा है ना बुआ, आई डू हैव अ कार,
यानी आपको बना दो तरह से, हिंदी से हिंदी एंड इंग्लिश से इंग्लिश। मेरे पास एक कार है का इम्फेटिक, मेरे पास अवश्य कार है, और आई हैव ए कार का इम्फेटिक, आई डू हैव ए कार। अभी और बता रहे हैं, ध्यान तो दीजिए। देखिए दूसरा, सीता के पास चार गायें हैं, क्या होगा? सीता हैज फोर काउज। नो इम्फैटिक है, कौन इम्फैटिक है? नो इम्फैटिक, और इसका इम्फैटिक बनाइएगा तो हिंदी क्या होगा? सीता के पास चार गायें जरूर है, बनाइए सीता। डू लगेगा, डज लगेगा, हैज लगा हुआ है न बुआ, तो डज लगे न बुआ, जब डज लगेगा बुआ तो क्या हो जाएगा? भीवन हो जाएगा न बुआ। हैज का भीवन क्या होता है? हैव होता है, यानी सीता डज हैव फोर काउज। कितना आसान है, कुछ नहीं जान है, क्योंकि हम लोग खींच लें इसका प्राण। तीसरा एनी, देखिए राम के पास एक घोड़ा था, पास्ट में आ गया, राम हैड ए कार, सॉरी हॉर्स। इसका बनाइए ई, ई मैंने इम्फैटिक बनाइए, राम के पास अवश्य एक घोड़ा था, तो राम हैड लगा ले, भी टू है तो डिड लगाएंगे ना, लगा दिए ना डिड। अब डिड लगा दिए तो बताइए हैड का भी वन क्या होता है? तो हैव होता है, बन गया ना, राम डिड हैव ए हॉर्स। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए होंगे, कॉपी करते जाइएगा, दिक्कत ना होना चाहिए। अब जो बताने वाले हैं इम्फैटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन इम्प्रेडिशनेंस। अब जानना इम्प्रेडी सेंटेंस है कि अभी पढ़ने वाले ही इम्प्रेडी पढ़ने वाले हैं, यानी आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। वाक्य पर आधारित, थोड़ा वीडियो लंबा है, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इम्फैटिक सेंटेंस यानी इम्प्रेडी सेंटेंस पर आधारित। अब जानना है कि इम्प्रेडी सेंटेंस है क्या। इम्प्रेडी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ये जो है ना, देखिए ये जो है कमांड या ऑर्डर को व्यक्त करता है, ऑर्डर आदेश जिसको बोलते हैं, ये सबसे आसान है। एडवाइस को व्यक्त करता है, सलाह, रिक्वेस्ट को व्यक्त करता है, विनती जिसको बोलते हैं, है ना, यानी ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट। ऑर्डर वहां जाओ, अब उसको इम्फैटिक बनाइए, वहां जरूर जाओ। सलाह, गरीब की मदद करो, गरीब की मदद अवश्य करो, कृपया मुझे एक कलम दो, कृपया मुझे एक कलम जरूर दीजिए, तो इम्फैटिक है। अब इम्प्रेडी सेंटेंस जो नो इम्फैटिक में रहेगा वो कैसे रहेगा? तो इसकी शुरुआत होती है भीवन से, एक ऑब्जेक्ट याद रबड़ाते हैं, फुल स्टॉप। अब बहुआ सबसे आसान इसका इम्फैटिक कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही भीवन से होती है और इसमें ही भर पर स्ट्रेस डाला जा रहा है, तो कितना आसान है और लाजवाब भी है। तो कुछ नहीं करना, भीवन है बहुआ तो आप बताइए, भीवन है तो डू लगाइएगा, डज लगाइएगा, रीड लगाइएगा, जल्दी बताइए। तो केवल डू लगाइएगा, आपका इम्फैटिक बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। रिक्वेस्ट वाले वाक्य प्लीज काइंडली आएगा अगर आगे में, तो वर्ब के पास लगाना है डूडस, यानी प्लीज काइंडली अगर शुरू में आएगा तो उसको उसके बाद लगाना, क्योंकि वह रिक्वेस्ट करने वाला एक शब्द है जो आगे भी आ सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं, भीवन पर आधारित डू आगे लगा देना है, बन जाएगा इम्फैटिक। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, लिख लिए, उसके बाद ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नो इम्फैटिक में दे रहा हूं मैं, पहले वहां जाओ, दे दिया ना, तो हो गया गो देयर। अगर इसी को इम्फैटिक में बोला जाए, वहां अवश्य जाओ,
तो अब स्ट्रेस डाल दिया ना, डू वर्ब आ रहा था ना उसके पहले डू लगा दी, डू गो देयर, कितना मजेदार है, बन गया ना पहला क्वेश्चन। चलिए इसको इरेज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते जाइएगा। अगर बोले हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, ए नो इम्फैटिक है, इम्फैटिक बनाइए तो क्या हो जाएगा, डू हेल्प द पुअर, कितना मजेदार है ना, डू हेल्प द पुअर, प्ले क्रिकेट, डू प्ले क्रिकेट, स्पीक इंग्लिश, डू स्पीक इंग्लिश, हमेशा भीवन शुरू होती है, हमेशा डू ही लगेगा, सिंपल। अगर रहेगा दूसरा तीसरा, अगर प्लीज कैंडली से शुरू होगा तो डरना नहीं है, लड़ना है, नो इम्फैटिक, प्लीज हेल्प मी, है ना, तो इम्फैटिक बनेगा। तो देखिए वो क्रिया है ना, ये तो शुरू भी रह सकता है, अंत भी रह सकता है, हेल्प मी प्लीज, तो ये केवल रिक्वेस्ट करने के लिए आया है, यानी आप प्लीज कॉन्स्टेंट करिए, प्लीज टू हेल्प मी। तो चलिए ये आज इम्फैटिक टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, मैं इसको आज खत्म किया, खत्म कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे अभी 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 आप लोग बताए थे कि तो भर पर स्ट्रेस डालना सिखाए, प्रोनाउन पर भी रह सकता है, नाउन पर भी सकता है, एडजेक्टिव पर भी रह सकता है, कैसे बनाएंगे, तो मैंने आप लोग प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में मैंने सिखाया था, इम्फैटिक प्रोनाउन भी आप लोग सीखे होंगे। तो चलिए प्रश्न प्रोनाउन में सीखे होंगे, मैं ही तो हूँ, इसमें भी स्ट्रेस डाला जा रहा है, उसके बाद मैं खुद मिस्टर प्रताप हूँ, तो यहाँ मैं खुद, इस पर भी स्ट्रेस डाला जा रहा है, तो इस तरह सेंटेंस आप लोग प्रोनाउन में सिखा दिए, नहीं अगर पता है तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं फिर से एक अलग से आप लोग को प्रोनाउन रिलेटेड, नॉन रिलेटेड, इम्फैटिक, एडजेक्टिव रिलेटेड, जो एडजेक्टिव पर स्ट्रेस डाला जाएगा, जैसे मेरा भाई दिल्ली में रहता है ना, अगर उसी में स्ट्रेस डालना रहे, मेरा अपना भाई दिल्ली में रहता है, यानी मेरा भाई दिल्ली में रहता है, इससे ही मेरा ही भाई है, लेकिन मेरा अपना भाई, इसे पूरा स्ट्रेस डाल दिए, ये भी इम्फैटिक सेंटेंस से रिलेटेड है। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर सेंटेंस अगर ये इम्फैटिक जो आप लोग देख रहे हैं, अगर रहे नोट देख ली, एक और सीख ली, फ्यूचर वाले वाक में यदि किसी भर्व पर स्ट्रेस डाला जाए, क्या डाला जाए, स्ट्रेस डाला जाए, तो उसमें शैल एवं विल का स्थान बदल दे, क्या करना, स्थान बदल देना है, जैसे जहां शैल है वहां विल हो जाएगा, जहां विल है वहां शैल, जहां शैल है वहां विल, जैसे मैं अवश्य नाचूंगा, मैं अवश्य नाचूंगा, तो आई शैल लगाते थे ना, स्ट्रेस डाल दिया, आई विल डांस, ठीक है, ये तो पढ़े हुए भी आप लोग, अगर राधा रहती, राधा अवश्य गाएगी, तो राधा विल लगा देते हो, शैल लगा देना है, ऐसे फ्यूचर में श्योरली के माध्यम से ही बना सकते हैं, सर्टेनली भी जोड़ कर बना सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर वो नहीं हो सकता, वो भी अच्छा है, लेकिन ये आप लोग जानते हैं और सही इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वंस अगेन मैं सेंटेंस मेडिकल इंट्रोड्यूस सेंटेंस जारी रहेगा, और लाइव आप लोग को 11 बजे है, टेंस चालू है, और आप लोग टेंस में कुछ दिखते आई थी, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम, कुछ समस्या आई थी, इसके कारण आप लोग कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, 5 बार 6 बार मैंने कोशिश किया, अगर इस तरह से ऐसा होता रहा तो मैं आप लोग को उसको भी रिकॉर्डेड दूंगा, लेकिन लाइव तो मैं आऊँगा। आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।